हेलो एवरीवन, इस मौसम में अगर जिस दिन गर्मा गर्म मसालेदार दाल और घी से महकती हुई बाटी मिल जाए तो उस दिन के खाने का कहना ही क्या। चलिए पहले दाल बना लेते हैं। इसके लिए ली है मैंने अरहर की दाल, चना की दाल, धुली हुई मूंग दाल और ये ली है मैंने धुली हुई मसूर की दाल और उड़द के छिलके वाली दाल। मैंने ये दोनों दालें मिला के रखी हुई थी। आप चाहें तो उड़द के छिलके की जगह धुली हुई दाल भी ले सकते हैं। बाकी सारी दालें मैंने बराबर ली हैं लेकिन उड़द की दाल थोड़ी कम ली है। अब इन दालों को हमको 2 से 3 बार धुल के भिगो लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी। इन सबको मिक्स करके मैं आधा घंटे के लिए इसको भिगो के रख दूंगी। इस तरह से दाल को भिगोने से उसका बहुत अच्छा कलर आता है और नमक के अंदर भिगोने के कारण ये जल्दी भीग जाती है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। हम दाल को कुकर में 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। अब मैंने एक थाली में 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। ये मार्केट वाला आटा है इसलिए बारीक पिसा हुआ होता है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप बेसन, यानी मैंने जितना आटा लिया है उसका 1/4 हिस्सा मैंने बेसन लिया है और 1/2 कप ही मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ क्योंकि आटा बारीक पिसा हुआ है। यदि आपके यहाँ घर पे पिसा या दरदरा पिसा आटा है तो आप सूजी कम कर सकती हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच भर के अजवाइन जिसे हम थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, हल्दी ज़्यादा ना डालें, और 1/4 चम्मच हींग पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं। यदि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हैं या जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है तो आप 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। अब मैंने ये 1/4 कप घी लिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम ये सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि घी मिलाते समय सारे जगह अच्छे से घी मिल सके और मसाले भी पूरे आटे में एक साथ मिल सके। अब मैंने घी को अच्छे से मिला दिया है। घी यहाँ पर सिर्फ हम सॉफ्टनेस के लिए डाल रहे हैं, मोइन की तरह हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। ये ताज़ा दही है और फ्रिज से मैंने काफ़ी देर पहले इसको निकाल लिया था। दही मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पूड़ी की तरह आटा गूंथ लेंगे। टिप ऑफ द डे फ्रेंड, कई बार जब हम कढ़ी बना चुके होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कढ़ी पतली रह गई है, उतनी थिक नहीं बनी है जितनी हम इसे बनाना चाहते हैं। तो आप परेशान ना हो, उसके लिए यदि आपके घर में प्योर चने वाला सत्तू हो तो आप 1 से 2 चम्मच सत्तू थोड़ी सी कढ़ी को ठंडा करके उसको घोल लें, या फिर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच बेसन भी भून कर कढ़ी को ठंडा करके उसमें मिला सकती हैं और 1 से 2 बार आप फिर से कढ़ी में लगा दें, आपकी कढ़ी परफेक्ट गाढ़ी हो जाएगी। इधर हमारा बाटी का एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार है। मैंने इसको इस समय पूड़ी के आटे की तरह ही रखा हुआ है क्योंकि इसमें अभी सूजी मिली हुई है तो ये थोड़ा और सख्त होगा। अब हम इसमें से मीडियम साइज़ की लोइयाँ निकालेंगे, हाथों के बीच में घुमाते हुए मैंने एक लोई बना ली है और बीच में हम अंगूठे की हेल्प से इसको प्रेस कर देंगे जिससे ये बीच में से अच्छे से फ्राई होगी, कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। देखिए फिर मैंने दूसरी भी बाटी बना ली है। मैं ये बाटी बनाते समय इसके एजेस को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाती हूँ जिससे कि तलते समय जो इसमें क्रैक्स पड़ेंगे उसके कारण बाटी काफ़ी क्रिस्प बनती है। मैंने अपनी सारी बाटियाँ बना ली हैं। अब हम मैं इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। इधर हमारी दाल भी बॉयल होकर तैयार है, एकदम परफेक्ट उबली हुई है दाल। अब हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला हुआ है। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों के दाने डाल दूंगी। दोनों अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें
दो हरी मिर्च कटी हुई और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके डाल देंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जिसे लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने एकदम बारीक काटा हुआ है। प्याज को डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। प्याज और अदरक जब तक भून रही है तब हम इसमें हींग पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं सूखे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच सूखा धनिया। प्याज अच्छे से भून चुकी है, मसाले भी अच्छे से हम भून लेते हैं। सूखे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कट करके डाल देंगे और टमाटर को लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। टमाटर गल जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक इसमें हम अभी कम ही क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि दाल में हम पहले से ही नमक डाल चुके हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी उबली हुई दाल। दाल में अच्छे से उबाल आने देंगे। बाटी के लिए थोड़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है, इसी कारण मैं इसे इसी कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसको थोड़ा और गाढ़ा या थोड़ा और पतला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो ध्यान रखें अच्छे से उबाल आने के बाद ही डालें। दाल उबल चुकी है, इसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। दाल अच्छे से पक चुकी है हमारी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी दाल बनकर एकदम रेडी है। चलिए इसमें एक तड़का और लगा लेती हूँ ऊपर से, जिससे हमारी दाल का टेस्ट और बढ़ जाएगा। दाल परफेक्ट बनी हुई है। तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच घी गरम किया हुआ है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च कटी हुई और चुटकी भर ही और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इस तड़के को हम अपनी दाल में ऐड कर देंगे और लीजिए तैयार है डबल तड़के वाली बड़ी टेस्टी सी दाल। चलिए फ्रेंड्स, ये मज़ेदार दाल तो बनकर रेडी है। अब हम अपनी बाटियों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसके लिए पीनट ऑयल को गर्म किया हुआ है और ऑयल को मीडियम हीट पर गरम करने के बाद मैंने एक एक करके अपनी बाटियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। बाटी का आटा लगाते समय मैं आटा को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ती हूँ, पहले बाटी बना लेती हूँ फिर रेस्ट करने छोड़ती हूँ। इससे बाटी के ऊपर की लेयर थोड़ी सख्त हो जाती है, हवा से थोड़ी सूख जाती है और अंदर वो सॉफ्ट रहती है। इससे बाटी बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बाटी बनती है, एकदम परफेक्ट बाटी बनती है। मीडियम हीट पर पहले हम इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे जिससे कि ये फूल जाए, और जैसे ही थोड़ा सा ये फूल जाए आप इसको धीमी गैस पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें और एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे आप फ्राई कर लें। और लीजिए तैयार है एकदम करारी मज़ेदार सी बाटी। देखिए फ्रेंड, इसके जो क्रैक्स पड़े हुए हैं उसके कारण बहुत ही क्रिस्पी होती है, टेस्टी सी बाटी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम अपनी सारी बाटियाँ निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बाटी बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ, जिससे कि मैं अक्सर बाटी बनाती हूँ। उस तरह से बाटी बनाने से आपको बाटी में ही बाफले वाला टेस्ट आएगा और आपको बाटी बॉयल भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने दूसरा बैच डाल दिया है फ्राई करने के लिए। मीडियम हीट पर पहले हम इसे 102 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर इसे टर्न कर देंगे। इस बैच को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं फ्राई करना है क्योंकि हम इसको एक बार फिर से रीफ्राई करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बस हमको इस समय इसको इतना ही फ्राई करना है। हमने इस बाटी को हल्का गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया है और ये सारी बाटियाँ हम निकाल लेंगे।
और थोड़ी देर तक हम इन बाटियों को ठंडा होने देंगे। बाटी ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ की बाटी बनाई थी, इसलिए मैं इसके सिर्फ दो टुकड़े कर रही हूँ। आप यदि इस बाटी को थोड़ा और बड़ा साइज़ का बनाना चाहें तो बना सकती हैं, उसके आप चार टुकड़ों में कट कर सकती हैं, तो जिससे बाफले वाला शेप भी आ जाएगा। मैंने बाटी को कट कर लिया है, और जिस साइड से हमने कट किया है उस साइड को नीचे रखते हुए हम हाई हीट पर ही इसको डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम हीट को मीडियम कर देंगे। इसे फ्राई करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाती हैं, क्योंकि पहले से ही फ्राई की हुई है। तो इसलिए शुरू में आप इसको थोड़ा देर के लिए हाई हीट पर डालें, और फिर तुरंत आप इसको मीडियम टू लो कर दें और इसको अच्छे से फ्राई करें। देखिए फ्रेंड, कितनी लाजवाब बाटी बनकर तैयार की है। आपने यदि इस तरीके से बाटी कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई किए, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। तो फ्रेंड, मैंने ये घी गरम कर लिया है, अब हम इन बाटी को हल्का सा क्रश कर देंगे जिससे कि घी में अंदर तक भर सके। अब हम बाटी का एक्स्ट्रा घी निचोड़ते हुए बाटी को बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, बाटी सर्व करने को तैयार है। इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी वाली बाटी भी घी में डिप करके निकाल ली है। तो चलिए अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालने वाले हैं इसमें दाल। अब इसमें हम रखेंगे हरी चटनी, और ये क्रिस्पी करारी सी बाटी, जो ऊपर से करारी है अंदर से सॉफ्ट। चूरमा के लड्डू के बिना तो थाली अधूरी रह जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी दाल बाटी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।